चंडीगढ़ के लोगों का मनोरंजन करने के लिए शहर में एक बार फिर सर्कस लग रही है। 30 साल बाद शहर में लोगों को कुछ नए व हैरतअंगेज कारनामे देखने को मिलेंगे। मनीमाजरा हाउसिंग बोर्ड पर लगी इस कार्यक्रम की शुरुआत 31 मार्च से होगी जो 5 मई तक चलेगी। सर्कस के मैनेजर अलंकेश्वर भास्कर का कहना है कि चंडीगढ़ व इसके आसपास के एरिया के लोगों में सर्कस के प्रति क्रेज हमेशा ही बना है। लोगों को हर बार हम कुछ नया देखने को लाते हैं और इस बार भी कुछ नया देखने को मिलेगा। आप सभी का यहाँ आने के लिए स्वागत है जी, सब प्रेस मीडिया वालों का। बाकी हम अपना जो शो है ये रेमन सर्कस 95 ईयर्स ओल्ड, ये 1924 से शुरू हुआ था, आज इसको 95 साल हो गए और ये 30 साल बाद हम चंडीगढ़ में यहाँ आए हैं दोबारा लोगों को दिखाने के लिए, अपनी कला दिखाने के लिए। महेश कुमार यादव, यूपी से, आजमगढ़ से। सर कितने सालों से काम कर रहे हो आप? ये 20 साल से ऊपर हो गया जी। आपने मतलब कहाँ कहाँ काम किए? बहुत, पूरा ऑल इंडिया तो घूम ही लिए हैं हम लोग। ऑल इंडिया, इंटरनेशनल काम भी किया आपने? हाँ जी। इंटरनेशनल आप थोड़ा बता सकते हो कहाँ कहाँ गए हो आप? अरे जी ये तो पूरा तो घूम ही लिए, तो कहाँ कहाँ बताए। तो सर जैसे कि आपने देखा होगा आप सर्कस करते हो तो आपको फिजिकल कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है, कहीं चोट वोट वगैरह? नहीं, वो तो होता रहता है ना, कभी काल का तो होता रहता है। अब आदमी चलने से भी तो चोट लगता ही है ना, गिरता है तो। ये तो अपना कला है, करना पड़ता है पब्लिक के लिए, बच्चे लोग के लिए, वो तो आसाना पड़ता है ना। तो सर्कस से आपका पूरा हो जाता है, फैमिली जितना भी है मतलब खर्चा वगैरह? खर्चा पड़ते तो खर्चा चलता रहता अपना, फैमिली का अलग, घर पे तो आइए ना, भाई लोग काम कर रहे हैं, अपने यहाँ से कमाई भेज देते हैं घर पे, जब मम्मी पापा बोलते हैं पैसा भेज दो भेज देते हैं। इस सर्कस के बाद आपका कोई प्रोग्राम है कि कहीं और सर्कस करोगे आप? नहीं जी, देखेंगे अभी तो यहीं पे हम लोग। अच्छा, कितने दिन हो यहाँ पे आप? अभी तो आए हैं, 7 दिन हुआ अभी। अच्छा, 7 दिन हो गए, और कितने दिन रहोगे आप यहाँ पे? ये 1 महीना। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश टीवी के लिए कैमरामैन मनदीप गौतम के साथ ज्योति दत्ता की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।